लखनऊ लोक भवन में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 100 दिनों की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 4 अप्रैल को किया था। इस संबंध में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष अब तक 1.9 करोड़ यानी करीब 95% बच्चों का नामांकन पूरा हो चुका है, जिसमें 40 लाख से अधिक नए बच्चों का नामांकन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादले को लेकर मंत्री संदीप सिंह ने इस साल शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर CM के पास भेजा है। CM की स्वीकृति मिलने के बाद प्राइमरी के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है ये व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो 1100 रुपए की धनराशि थी इस वर्ष उसको बढ़ाकर के 1200 रुपए की धनराशि की गई है, इससे हमारे जितने भी अधिकतम अभिभावक जो फीडबैक हमारे पास आया है इस व्यवस्था से प्रसन्न है। देखिए, इस रिपोर्ट नहीं है, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 1100 रुपए की जो हमने धनराशि कमरों में नहीं करती, हमने स्वयं देखा है 1100 रुपए की धनराशि में जितनी हम सब लोग एक बैग, 2 ड्रेस, जूते, मोजे की व्यवस्था हम सब लोगों ने बनाई है, और 1100 रुपए की धनराशि में आप मार्केट में जाएंगे तो पैकेट्स बना करके लोग उसी धनराशि के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है और अभिभावक इसको ले भी रहे हैं। और उसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि अभिभावक हर वर्ष जो है सारी चीजों को खरीदे, जैसे 1100 रुपए की धनराशि और इस वर्ष 1200 रुपए की गई है, 100 रुपए में 4 कॉपीज, 2 पेंसिल, उसको 2 रबर, कटर, इन सारी चीजों की व्यवस्था भी बनाई गई है, स्टेशनरी की भी। हर वर्ष किसी वर्ष कोई अभिभावक एक अच्छा बैग खरीद सकता है, किसी वर्ष अभिभावक अच्छी ड्रेस ले सकता है, हालांकि 1200 रुपए में ये सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन अगर और अच्छी